हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस अकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी मेरे साथ इस संकल्प बैच के माध्यम से UPPSS प्रीलिम्स और RO/RO प्रीलिम्स जो 2024 में होने वाले हैं उसके लिए डेली टारगेट्स की क्लासेस कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो आप लोगों से बात करने पे जो मुझे फीडबैक मिल रहा है या फिर मैसेजेस के माध्यम से, तो आप लोगों का फीडबैक जो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि 80% से अधिक स्टूडेंट जो भी इसे फॉलो कर रहे हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि तो अब उनमें एक रेगुलरिटी आ रही है कि हाँ, हमें डेली 4 से 5 घंटे अपने डेली काम के बाद भी, चाहे वो सर्विस में हो, हाउस वाइफ हो या फिर अपने स्टूडेंट हो या किसी भी प्रकार के काम में व्यस्त हो या केवल तैयारी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए 5 to 6 आवर बिल्कुल सिस्टमेटिक निकाल रहे हैं। और उनके बाद उनको ये भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि एंशियंट हिस्ट्री जैसे, मिडिवल हिस्ट्री जैसे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जिसको लोग याद नहीं कर पाते थे, अब उन्हें इस बात का डर ही नहीं है कि हम याद करना भी है कि नहीं। डेली बेसिस पर वो सारे टारगेट्स को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग टारगेट नंबर को आज 7 पढ़ रहे हैं। मैंने टेलीग्राम पे कल ही बताया था कि जब हम टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया था कि टारगेट नंबर 9 को जब हम कवर कर रहे होंगे तो उस समय आप देखोगे एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट होगी, बायोलॉजी कंप्लीट होगी, करंट अफेयर्स के 2 महीने कंप्लीट होगी, PYQ कंप्लीट होगा। इसी तरीके से 9 दिन के टारगेट के बाद जब मैं अगले 9 दिन के टारगेट लूंगा तो वहां पर भी लगभग 2 सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स और PYQ कंप्लीट रहेंगे। तो इसी पूरी ब्लू प्रिंट के साथ हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक एक भी टारगेट नहीं देखा हो तो प्लीज वो पहले से टारगेट को देखें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे करके आप डेली फॉलो करिए और फिर आपके लिए और एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आज हमारा जो टारगेट रहेगा एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत, आज मैंने जो सब्जेक्ट लिया है दोस्तों वो लिया है आपका एंशियंट हिस्ट्री में प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, पाषाण काल पढ़ लिया, प्लस वैदिक काल पढ़ लिया, मौर्य काल पढ़ा, मौर्योत्तर काल पढ़ा, गुप्त काल पढ़ा, गुप्तोत्तर काल पढ़ लिया, और भी बहुत सारे छोटे छोटे बौद्ध जैन धर्म के जो बारे में थे, ये सारी चीजें, महाजनपद, सारी चीजें मुझे पता है कि आपने पढ़ ली। और उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी रेगुलर बेस पे एक डायरी भी मेंटेन कर रहे होगे जहाँ पे आप सारे टॉपिक्स को, डेली टारगेट्स को लिख रहे होगे, क्योंकि जैसे ही एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट होगी तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सारे जितने भी लोगों ने लिखे हैं वो अपने टेलीग्राम में पोस्ट करो, ताकि मुझे पता चले कि मैंने अभी तक क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ा दिए, और आपको भी पता रहे एग्जाम से पहले रिविजन करने के लिए कि हमने ये टॉपिक्स पढ़े, इनको जरूर रिविजन करना। अब जैसे स्थापत्य कला के दौरान आप देखोगे हमारे यहाँ बौद्ध धर्म में बहुत सारे स्तूप बनाए गए, जैन धर्म में बनाए गए, उनके चैत्य पूजा स्थल बने, विहार रहने के लिए बने, मंदिरों का निर्माण जो है कि गुप्त काल में शुरू होता है, द्रविड़ कला आती है उसमें, नागर शैली आती है, बेसर शैली आती है, फिर स्तंभ लेखों की बात करेंगे, कई सारे शासक ऐसे हुए जैसे रुद्रदामन हो गए, गिरनार जूनागढ़ अभिलेख हो गए, या फिर अशोक के जो है कि बहुत सारे स्तंभ लेख मिलते हैं, गुहा लेख मिलते हैं। इसी तरीके से गुफा वगैरह के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे लोमस ऋषि को दी गई थी, चौपर गुफा थी, सुदामा गुफा थी, या फिर बाघ गुफा, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको आज के जो टारगेट दिए जा रहे हैं अगले 24 आवर में आपको कंप्लीट करना है। सोर्सेस के बारे में भी मैं बता दूंगा और आगे देखेंगे। सेकेंड आपको कवर करना है साउथ इंडिया के जो राजवंश थे इंपॉर्टेंट, जैसे इंपॉर्टेंट हालांकि आपको मिलेंगे बहुत छोटे छोटे, बहुत सारे राजवंश मिलेंगे, उनको पढ़ना बाद में है, क्योंकि वहां से प्रश्न 2-4 साल में एक आध बार आ जाता है तो आ जाता है, नहीं तो नहीं आता है। लेकिन जहां से हर साल प्रश्न आ रहा है पहले उसे फोकस करेंगे। जैसे चोल शासक से हमेशा प्रश्न आते हैं, या तो राजेंद्र प्रथम से आ जाएंगे, राजराज प्रथम से आ जाएंगे, या फिर उनकी जो है कि गंगईकोंड चोलपुरम उपाधि से आ जाएगा, सिंगल विजय यानी श्रीलंका पे विजय से आ जाएगा, उनके मंदिर निर्माण कला से आएगा, स्थानीय प्रशासन से आएगा, उनके द्वारा जो प्रांतों को विभाजित किया गया था छोटे छोटे यूनिट्स में, उनसे प्रश्न आ सकते हैं। तो हर साल चोल से कोई ना कोई एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से चालुक्य वंश, पल्लव वंश में देखिए मंदिर निर्माण के लिए जो उसमें नरसिंह वर्मन थे, ठीक है, इस तरीके के जो नरसिंह वर्मन हो गए, और भी जो शासक है, 4 कला होती है, इनको कवर करना है, और साथ में संगम वंश को भी कवर करना है। ये संगम वंश आपका विजयनगर साम्राज्य वाला नहीं है, वो मध्यकालीन भारत में आता है जब 1336 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, उस दौरान हरियर और बुक्का ने स्थापित किया है। ये संगम युग की बात है जहाँ पे आपको संगम काव्य मणि मैखले की रचना मिलेगी, ठीक है, शिल्पाधिकारम की रचना मिलेगी, यहाँ पर तमिल रामायण के जो है कि लेखक मिलेंगे, कंब करके, रन पुण्य, ये सब, तो इन सबको कवर करना है आप। और साथ में काकतीय वंश भी बहुत हाईलाइटेड है जिसमें रुद्रमा देवी जी का शासक पूछा जाता है, तो काकतीय वंश अभी देखा होगा आपने, आरओ एग्जाम से भी इस बार पूछा गया था। तो साउथ इंडिया के ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके राजवंश हैं जिनको आपको कवर करना है। मुझे पता है कि ये टॉपिक आपको लगेगा कि सर काफी दे दिया आपने, लेकिन जब आप इसे फॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल कम लगेगा। फॉलो करने के लिए आपको मैंने कई बार बताया कि या तो आप एस के पांडे जी की बुक पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक मैं मानता हूँ, या फिर आप इसके साथ घटना चक्र की बुक को पढ़ सकते हो, घटना चक्र पूर्वलोकन जो 2023 की है, अभी तो मार्केट में 2024 की भी आ चुकी है, या फिर आप इनमें से
देखो सोर्स कोई भी फॉलो कर लीजिए, बस आपको ये सारे सिलेबस जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे उसके मैं बारे में बात कर रहा हूँ। घटना चक्र अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो आप परीक्षा वाणी को भी पढ़ सकते हो, ठीक है, परीक्षा वाणी भी एक अच्छा सोर्स है। या फिर आप देखोगे तो महेश बणवाल जी की जो पब्लिकेशन है इसके द्वारा भी जो है कि बहुत सारी चीजें निकाली जा रही है। अगर इन चारों सोर्सेस में से कोई भी एक सोर्स है, ध्यान देना कोई भी एक सोर्स फॉलो कर सकते हो, कोशिश करना कि मतलब इन तीन में से कोई भी एक सोर्स फॉलो करो, लेकिन घटना चक्र को जरूर साथ में रखना। और घटना चक्र के आप लोगों के लिए मैंने एक शॉर्ट नोट्स भी बना दिए हैंड रिटन फॉर्म में, ठीक है, हैंड रिटन फॉर्म में, जिसमें सारा घटना चक्र कवर है केवल 40 से 45 पेज में, उसे भी आप फॉलो कर सकते हो, तब आपको घटना चक्र की बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये इसका बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी इनमें से कोई भी एक सोर्स फॉलो कर सकते हो। सोर्सेज के बारे में ज्यादा डिटेल से मैंने टारगेट नंबर 1, 2, 3, 4 इन सब में ज्यादा बता रखा है। सेकंड हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी, बायोलॉजी में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजों को पढ़ लिया था, विटामिन डिजीज वगैरह ये सारी चीजें पढ़ ली थी, प्लस क्लासिफिकेशन ओडम ने जो किया था, वर्गीकी वगैरह, जैव विकास, ये सारी चीजें पढ़ी थी। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी के अंदर स्केलेटन सिस्टम को पढ़ा था, मसल सिस्टम को पढ़ा था, डाइजेशन सिस्टम को पढ़ा, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये सारी चीजों को हमने पढ़ा था। केवल दो सिस्टम और बचे आपकी बॉडी में, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। कुछ ग्लैंड ऐसी होती है जो हमारे बॉडी के अंदर ही हार्मोन्स वगैरह को रिलीज कर, कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती है जो हमारे बॉडी के बाहर भी जो है कि कुछ चीजों को रिलीज करती हैं, जिसमें पसीना, जो स्वेटिंग होती है, ये भी एक एक्सोक्राइन का उदाहरण है। तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसमें आपको पीनियल ग्लैंड्स पढ़ने को मिलेगी, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि पढ़ने को मिलेगी, ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो ग्लैंड्स हैं आपके, ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो यहां से भी प्रश्न हर बार कोई ना कोई एक मिलान करने के लिए आ जाता है, जैसे लीवर आपका किस चीज का मतलब कि ग्लैंड है, किस प्रकार की जो है कि ग्लैंड है जो सीक्रेशन करती है, ठीक है। इसी तरीके से आपको जनन और भ्रूणीय विकास भी पढ़ना है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके प्राइवेट पार्ट के तौर पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियोनिक किस प्रकार से भ्रूण का विकास होता है, 2, 4, 8, 16, 32, 64 करके ऐसे करके फिर बच्चे का जन्म होता है, 9 महीने की पूरी प्रक्रिया होती है, उस दौरान स्पर्म और ओवम में जो है कि किस प्रकार की जायगोट बनने की प्रोसेस होती है, फिलोपियन ट्यूब क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, ठीक है, इन सारी चीजों में। और उसी तरीके से आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल के बॉडी ऑर्गन्स के साथ साथ मेल के जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें आपको टेस्टिस के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है, और स्पर्म के बारे में पढ़ना होता है, उसमें जो है कि शुक्रवाहिनी जो होती है, ठीक है, वो क्या काम करती है, कैसे नसबंदी होती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक। तो यहाँ पर आपको बायोलॉजी में ये दो सेक्शन और पढ़ लोगे तो आपका ह्यूमन बॉडी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग प्लांट को पढ़ेंगे, जो कि टारगेट नंबर 8 और 9 के अंतर्गत कंप्लीट होते ही बायोलॉजी आपकी 9 टारगेट में कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 9 दिन में आपकी बायोलॉजी कंप्लीट। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात करेंगे, करंट अफेयर्स में मैंने बताया था कि जनवरी 2024 आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आज आपको जो राष्ट्रीय और यूपी विशेष जो आपने रिवीजन करना है, कल आपको मैंने दिया था फरवरी 2024 का, जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम और यूपी स्पेशल, मैंने बताया था कि बजट छोड़ के बाकी जितना भी यूपी स्पेशल आया होगा 10-12 टॉपिक, क्योंकि मंथली वाइज आप जब देखते हो तो बहुत कम टॉपिक ही होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, जिसे आप आराम से 1 घंटे के अंदर पढ़ लेते हो। जब हम ईयरली पढ़ते तब हमें जो है कि ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है, तो इस चीज को पढ़ने में ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे रिवीजन के तौर पे पहले तो राष्ट्रीय और यूपी स्पेशल जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको सबसे पहले आपको रिवीजन करना है, क्लियर। और एक्स्ट्रा में आपको आज अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ना है और खेलकूद के बारे में पढ़ना है। अच्छा, खेलकूद में भी क्या होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, केवल क्रिकेट में ही सारी चीजों को पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। क्रिकेट के साथ आपको लॉन टेनिस पढ़ना है, चेस पढ़ना है, कबड्डी पढ़नी है, कुश्ती पढ़नी है, और भी बहुत सारे नए नए जो है कि खेल आयोजन होती है, प्रतिभाएं होती है, चाहे वो ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, या फिर किसी भी प्रकार के जो शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, या आपके अपने इंडिया के अंतर्गत खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, खेलो यूथ गेम्स होते हैं, तो इन सभी चीज़ों के आपको पढ़ने की कहाँ पे लोकेशन है, मतलब कि कहाँ पे ये आयोजित हुए, कौन सा संस्करण हुआ, इसमें स्लोगन क्या रखा गया जो है कि, और इसका लोगो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, कौन सी टीम जीती, कौन सी रैंकिंग आई थी। जैसे अभी आपने देखा होगा एशियन गेम्स में यूपी स्पेशल से प्रश्न पूछा गया था, किस मतलब इंडिया के स्पोर्ट्स से, और आरओ के एग्जाम से पूछ लिया गया था कि भारत की रैंकिंग क्या रही, 3rd रही या 4th रही, कितने पदक पाए, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है, केवल क्रिकेट नहीं पढ़ना होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और खेलकूद, ये दो चीज़ें आप पढ़ लोगे तो आपके 4 सेक्शन कवर हो जाएंगे। अगले 2 दिन में आपके जो इकोनॉमिक्स होंगे, साइंस टेक होंगे, जो भी बचे हुए सेक्शन होंगे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और यूपी पीसीएस पीवाईक्यू में आप देखोगे, आपने हिस्ट्री को कंप्लीट किया, पॉलिटी कंप्लीट कर लिया था, और साथ में ज्योग्राफी और एनवायरमेंट, 4 सेक्शन कंप्लीट किए। आज मैं आपको कंप्लीटली साइंस का, जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिला के जो भी 17, 18, 20 प्रश्न आते हैं एवरी ईयर, आपको 2012 या 13 से ले लीजिए, 2013 से लेके 2023 तक का, अर्थात लास्ट 10 ईयर जो है कि पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं।
कितना करना है लास्ट 10 ईयर, और यहां से अगर आप देखोगे कि अगर ऑन एन एवरेज 20 प्रश्न आते हैं हर साल, तो 10 साल में आप देखोगे कि आप लगभग साइंस के 200 क्वेश्चन को कर चुके होंगे। कितने? 200 प्रश्नों को आप कंप्लीट कर चुके होंगे, और साथ में आपको कंप्लीट पॉलिटी जो कि रिवीजन करनी है, ऑलरेडी इसको मैंने कंप्लीट करा दिया था, बस आपको आज रिवीजन करना है। तो रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हालांकि साइंस में अगर पढ़ने में टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं, मैं एक दिन और इसको टास्क के रूप में रख दूंगा। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन बताना, जैसे मैंने ज्योग्राफी को 2 दिन रखा, ठीक है, हिस्ट्री को 2 दिन रखा था, याद होगा आपको, रिवीजन भी उसी मैंने रखा, तो साथ साथ में मुझे रिवीजन भी लेकर चलना है, क्योंकि रिवीजन एक सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है हमारे तैयारी की। एक नया एस्पिरेंट है जो सारी चीजें पढ़ रहा है बार बार, मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ रहा है, और एक पुराना एस्पिरेंट है जो बार बार पढ़ रहा है लेकिन एक ही चीज पढ़ रहा है, रिवीजन कर रहा है, तो सिलेक्शन के चांसेस जो है कि उसके होंगे जो रिवीजन ज्यादा कर रहा है। आप लिमिटेड पढ़िए लेकिन रिवीजन ज्यादा करिए, आप अनलिमिटेड पढ़ने लगते हैं और रिवीजन बिल्कुल नहीं करते, यही ड्रॉबैक हो जाता है। तो यहां पर आपने देखा कि मैंने 4 सेगमेंट में आपको बता दिया कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको एंशिएंट हिस्ट्री में फॉलो करनी है। साइंस के लिए अगर आप सोर्सेज की बात करोगे तो यूपीपीसीएस और आरओआरओ प्रीलिम्स के लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप सबसे अच्छी बुक पढ़िए एक तो लूसेंट, ठीक है, लूसेंट के साथ साथ आप घटना चक्र को फॉलो कर लीजिए। बस अगर आप ये 2 चीजें फॉलो कर लेते हो ना, तो यहाँ पर ही आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। 100% तो गारंटी कोई भी नहीं लेता है कि आपके 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 यहाँ से आ जाए, लेकिन उन 20 में से 18-19 प्रश्न आपके आराम से सही हो सकते हैं, जब फिजिक्स भी कराऊंगा केमिस्ट्री भी कराऊंगा। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है नहीं सर हमें कोई और भी बुक बताइए पढ़ने के लिए, तो आप चाहे तो महेश भड़वाल की बुक को पढ़ लीजिए या फिर परीक्षा वाणी की बुक को पढ़ लीजिए, ये आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन मेरी तरफ से इन 2 बुकों को एक साथ पढ़िए, लूसेंट भी पढ़िए और घटना चक्र भी पढ़िए। लूसेंट ध्यान देना कि 2024 की अगर लेटेस्ट मिले तो वो पढ़ना, और नहीं तो 2023 की पढ़ लेना, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव लेनी है क्या, तो बिल्कुल नहीं लेनी है, लूसेंट लेनी है जो डिटेल वाली दी होती है, जिसके लिए लूसेंट फेमस है, ऑब्जेक्टिव वाला नहीं पढ़ना। उसमें तो सब रेलवे एसएससी और एमटीएस इनके पेपर होते हैं, उनसे नहीं होगा कुछ भी, उनमें कोई व्याख्या भी नहीं होती है। आपको व्याख्या के लिए तो पढ़ना है घटना चक्र, लेकिन और भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को साइंस के अंतर्गत स्पेशली ये जो बायोलॉजी है इसमें कलेक्ट करने के लिए आपको लूसेंट और घटना चक्र ही काफी है। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए अगर आप देखोगे तो मैंने कई बार बता रखा है आपको सोर्सेस के तौर पे कि आप दृष्टि आईएएस की पब्लिकेशन बुक को फॉलो कर सकते हो, या फिर घटना चक्र को फॉलो करिए, या फिर यूथ को फॉलो कर सकते हो, या अगर आपको ये सब कुछ नहीं फॉलो करना है तो आप ग्लैंस एकेडमी के हैंडरिटन नोट्स को फॉलो कर लीजिए पीवाईक्यू के लिए, सबसे अच्छे हैं। सारी चीजों को हमने कंपाइल करके एक जगह पर सब्जेक्ट वाइज बना दिया, जैसे हिस्ट्री पूरा एक जगह, पॉलिटी एक जगह, ज्योग्राफी एक जगह, इकोनॉमिक्स एक जगह, एनवायरमेंट एक जगह, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सब्जेक्ट वाइज बना दिया, आप उसे फॉलो कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी अगर आप देखो कि करंट अफेयर्स में, तो करंट अफेयर्स में फिर मैं वही कहूंगा 4 किताबों में घटनासार फॉलो कर सकते हैं, क्रॉनिकल, घटना चक्र या प्रतियोगिता दर्पण, लेकिन फिर भी सबसे अधिक प्रेफरेंस आप लोग क्रॉनिकल को या फिर घटना चक्र मासिक पत्रिका आती है उसको दीजिए। यहां से आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी मिलेगी, और इनका फायदा ये होगा कि जब लास्ट टाइम एग्जाम से पहले जब ईयरली मैगजीन आएगी इनकी, तो इन्हीं दोनों की मैगजीन आपको पढ़ने में आसान रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आपकी इनकी पढ़ी हुई रहती है। लेकिन पहले आपको मंथली फॉलो करनी है, बिल्कुल ईयरली पे डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक फिर छूट जाते हैं ईयरली में, तो मंथली आप फॉलो करते हुए चलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चीजें उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी मैं इसके लिए 1 से 2 दिन पूरा रिवीजन रखूंगा। जितनी भी चीजें अभी तक आपने पढ़ी है उनका लिखते रहिएगा, मैं टेलीग्राम पे 1 से 2 दिन में आपसे डिमांड करूंगा, मांगूंगा, और आप दे दीजिएगा, ताकि मैं उसको देख लूंगा कि क्या क्या आपने अभी तक टॉपिक पढ़े, और उसके बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे, रिवीजन की सीरीज को 1 से 2 दिन चलाएंगे, फिर उसके बाद हम नए सेगमेंट की ओर चलेंगे। और कौन सा सेगमेंट शुरू करना है इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अधिक से अधिक अपना सब्जेक्ट लिखिए, नहीं तो बाद में फिर मत कहना कि सर मेरा वाला कमेंट आपने पिक नहीं किया। जब आप कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि किस पे सबसे अधिक डिमांड है सब्जेक्ट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।